ओपन करो। ये मारुति का ओरिजिनल रिस्टा फ्लोर मोटर। हाँ खोलो उसको। हेलो, ये अपने को रीड्स गाड़ी में लगाना है। देखो ओरिजिनल जो मारुति का जो ब्लोअर मोटर आता है ना, उसमें ये एयर का डक, ये ब्लोअर मोटर बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है। ये ब्लोअर मोटर एंटी क्लॉक वाइज घूमती है। देखो एयर फ्लो का डायरेक्शन जो होता है ना, हमेशा ये खाद जिधर डायरेक्शन में है या इधर है ना, तो ये ब्लोअर ऐसा घूमेगा तो हवा फेंकेगा स्पीड से। अरे उल्टा अगर घूमेगा ना तो हवा नहीं फेंकेगा, क्योंकि ये जो कॉलर बनी है ये एयर प्रेशर के लिए बनी हुई है, इससे हवा प्रेशर से बाहर आती है। ये अगर उल्टा घूमेगा तो ब्लोअर मोटर की हवा नहीं आएगी अपने ग्रिल में से। तो दोस्तों जिधर इसका डायरेक्शन होगा ना ये कांच का, उधर डायरेक्शन में घूमने को होना। ये मोटर एंटी क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक बोलने से घड़ी के डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में ऐसा घूमेगा इधर से। इसलिए हमेशा याद रखो जिधर इसका खाँच रहेगा उधर का डायरेक्शन पकड़ने का, यानी कंफर्म करने का और फिटिंग करने का। अगर उल्टे डायरेक्शन अगर कोई भी ब्लोअर लगा देते हो मोटर में, तो डायरेक्शन अगर उसका उल्टे साइड का है और मोटर अगर सीधी घूम रही है तो हवा नहीं आएगा। ये अपना रीड्स का ब्लोअर मोटर है। रेट्स में ये ब्लोअर मोटर का जो गाला है ना, ये बहुत बड़ा आता है, बाकी इसमें छोटा आता है। इसमें आरपीएम कम रहता मोटर का और हेवी आती है मोटर। दोस्तों आपको अगर ब्लोअर के बारे में कुछ डाउट रहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।